हेलो दोस्तों, तो सभी का स्वागत है यहाँ पर भारत बनाम श्रीलंका के बीच में हो रहा है। यहाँ दोस्तों भारत बनाम श्रीलंका के बीच में मुकाबला चलता हुआ। भारतीय टीम यहाँ पर जरूर दोस्तों क्राउड पर मौजूद है। यहाँ पर ग्राउंड में भारतीय टीम दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, चमका खारतून टनाते थे। तो करुण चनाचे यहाँ पर ओवर लेकर आए हैं। 72 रन की दरकार मुकाबले जीतने के लिए दोस्तों। 30 बॉल पर 72 रन की दरकार है। रिक्वायर रेट 14 का है। भारत टीम के बल्लेबाज विराट कोहली एंड सिरेश्वर क्रीज पर मौजूद है। और दोस्तों सुमन गिल एंड उनके साथ वाइड बॉल दोस्तों शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर ओवर की। वाइड के साथ विराट कोहली के सामने यहाँ पर दोस्तों वाइड आ चुकी है। क्या बात है, दबाव यहाँ पर दोस्तों बॉलर पर चमकता हुआ। जी हाँ दोस्तों, चमिका यहाँ पर कर चुना है। चमिका यहाँ पर जरूर ओवर कर रहे हैं। और 30 बॉल पर भारतीय टीम को 71 रन की दरकार है। इस बार अगली बॉल तो विराट कोहली कवर्ड रह जो रहा है, लेकिन गति नहीं उस शॉट में। पीछे फील्डर मौजूद है पॉइंट की दिशा में दोस्तों। एक रन की मांग की है और एक रन आसानी से भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? राय अपनी जरूर कमेंट में, क्योंकि भारतीय टीम यहां पर बेहतरीन फॉर्म में। इस बार दोस्तों अगली बॉल छोटी बॉल लेकिन हवा में शॉट है। पीछे फील्डर है, गेम में शॉट है दोस्तों। एक रन की मांग है तो दूसरे रन की बिल्कुल कैंसिल किया दोस्तों विराट कोहली ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों, तेज खेल रहा होगा भारतीय टीम के यहाँ पर। 28 बॉल पर 69 रन की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। विराट कोहली तैयार इस बार अगली बॉल दोस्तों, तैयार विराट कोहली। बिल्कुल सामने मारा दोस्तों, बिल्कुल सामने मारा, कलाइयों का इस्तेमाल, बेहतरीन बीच पाई है दोस्तों बैट पे। और सामने लाजवाब टाइमिंग के साथ बड़ा छक्का दोस्तों, बीच बल्ले पे बॉल है, इस बॉल को पड़ा और सामने बड़ा छक्का। जी हाँ, बहुत ही अच्छी टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली के। बिल्कुल बैट के दिशा में आई, बीच बल्ले पे बॉल है दोस्तों, लेकिन विराट कोहली ने सामने मारा एक बड़ा और रोमांचक छक्का यहाँ पर दोस्तों जड़ दिया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, ऐसा मुकाबला चल रहा है कि दोस्तों भारतीय टीम यहाँ पर बल्लेबाजी बेहतरीन कर रही है दोस्तों। 67 बॉल 67 रन की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। विराट कोहली 14 बॉल पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार अगली बॉल तो बाउंस चलाई गई, छोटी बॉल है, बाउंस खींच मांग की है, एक रन के लिए भागे और एक रन आसानी से यहाँ पर दोस्तों अपने नाम कर लिया है विराट कोहली ने दोस्तों। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज द्वारा, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन हो रही है यहाँ पर श्रीलंका द्वारा। 26 बॉल पर 62 रन की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। इस बार अगली बॉल यहाँ पर दो जवाब दोस्तों कवर ड्राइव अच्छा था, लेकिन पीछे फील्डर ने आसानी से पकड़ा है तो एक रन की मांग है दोस्तों। यहाँ पर विराट कोहली यहाँ पर बहुत तेज मारता है दोस्तों, सिरेश अय्यर ने बहुत ही ज्यादा तेज था, लेकिन वहां पर इतनी बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत दोस्तों यहाँ पर रन बचाए दोस्तों। आपको दिखा देते हैं हम रन कैसे बचाए। नजर डाले दोस्तों, शॉट बहुत तेज था लेकिन क्या फील्डिंग किया दोस्तों वहां पर, और अपने टीम के लिए यहाँ पर 3 रन सेव किए दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही लाजवाब फील्डिंग विराट कोहली दोस्तों इनके लिए। अब इस बार तैयार विराट कोहली, हवा में शॉट, इस बार मिड विकेट के ऊपर से मारने कोशिश, बेहतरीन शॉट, गैप में 4 रन। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने गैप में शॉट 4 रन के लिए खेला, कलाइयों का इस्तेमाल, बॉल को पड़ा विराट कोहली ने और जड़ दिया बेहतरीन शॉट। यहाँ पर दोस्तों नुवान थुसारा आ चुके हैं जो कि सिरेश अय्यर सामना करेंगे। नुवान थुसारा, सिरेश अय्यर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली दोस्तों। 24 बॉल 57 रन की दरकार मुकाबले जीतने के लिए। इस बार अगली बॉल दोस्तों यूर्कर मारी यहाँ पर, लेकिन शॉट लाजवाब है। यहाँ पर पॉइंट की दिशा में खेला है, तेज है, पीछे फील्डर है, एक रन की मांग है दोस्तों। दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन वहां पर विराट कोहली ने मना किया दोस्तों, क्योंकि ये रन खतरे से खाली नहीं था। यहाँ पर सिरेश अय्यर दोस्तों बहुत अच्छी बल्लेबाज कर रहे हैं, 13 बॉल पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं सिरेश अय्यर। नुमान तो सारा दोस्तों विराट कोहली के लिए, यूर्कर के साथ आएंगे, क्या यूर्कर मारेंगे दोस्तों? जी हाँ, तो मैंने कहा था यूर्कर के लिए आएंगे। ओ ये तो दोस्तों पैर पर लगी, अपील है, अंदर की तरफ आई है, लेकिन बने दिया आउट, 101% आउट है दोस्तों। ये विराट कोहली वहां पर पहले बैट घुमा दिया दोस्तों, और यहां पर तुसारा को बहुत बड़ी विकेट मिलेगी विराट कोहली की, लेकिन रिव्यू लिया गया है। क्राउड यहां पर शांत हो चुका है दोस्तों। विराट कोहली को आज पहली बार आउट करेंगे नुवान थुसारा, क्योंकि विराट कोहली दोस्तों ऐसे बल्लेबाजी के आउट नहीं होते। ओरिजिनल डिसीजन इज पिच आउटसाइड ऑफ है दोस्तों। ये तो बिल्कुल हिटिंग है दोस्तों, बिल्कुल हिटिंग है, एम्पायर कौन है दोस्तों? यहां पर एम्पायर की वजह से यहां पर जाना पड़ेगा विराट कोहली को दोस्तों, मिड विकेट के यहां पर, और ये विकेट हो चुकी है यहां पर, एम्पायर कॉल, यहां पर दोस्तों आउट दे दिया एम्पायर ने, इस वजह से यहां पर आउट होकर जाना पड़ेगा विराट कोहली को। अपने आप से नाखुश यहां पर एम्पायर की वजह से आउट हुए दोस्तों यहां पर विराट कोहली। केएल राहुल यहां पर जरूर आ चुके दोस्तों, केएल राहुल एंट्री कर चुके ग्राउंड में यहां पर, क्योंकि भारतीय टीम के यहां पर विकेट बहुत बड़ा गिरा था विराट कोहली का, जो कि एम्पायर की वजह से वहां पर बाहर जाना पड़ा उनको। 22 बॉल पर 56 रन की दरकार है
यहाँ दोस्तों मुकाबले में केएल राहुल इस बार अगली बॉल बेहतरीन बॉल लेकिन लाजवाब शॉट है, इस बार पॉइंट की तरफ खेला है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन की मांग है, आसानी से यहाँ पर कम्प्लीट करते हुए दोस्तों सिरे से ये रेंड है केएल राहुल के, यहाँ पर साझेदार दोस्तों जरूर जमने होगी क्योंकि उतना नुमान तो सारे क्या बॉल थी, विराट कोहली को बीट करके दिखाया वहां पर दोस्तों, इस बार अगली बॉल यॉर्कर मारी लेकिन शॉट लाजवाब है, ओ क्या फील्डिंग की है, तीन रन बचा दोस्तों अपनी टीम के लिए लेकिन ये जोर करती दोस्तों यहाँ पर मुश्किल शॉट रहा है पर दोस्तों सिरे शेर के लिए क्योंकि अगर वो बॉल बल्ले पे नहीं लगती तो वो स्टंप पर जाकर जरूर लग जाती दोस्तों, बाल बाल बचे यहाँ पर दोस्तों सिरे शेर गैप में शॉट खेलने की कोशिश की क्योंकि इस बार अगली बॉल छोटी बॉल है लेकिन दोस्तों गई बहुत दूर गई है ग्राउंड के पार, एक और छक्का स्टैंड यहाँ पर दोस्तों लैंड हुई यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फैनों के पास बॉल भेज दिया यहाँ पर सिरे से ने बॉल को पढ़ा, बॉल को बॉलर ने फॉलो किया बल्लेबाज को लेकिन केएल राहुल ने दोस्तों दूसरी बॉल पर अपनी पर छक्का मारा, वाह लाजवाब केएल राहुल यहाँ पर पता था उनकी बॉल लेग में रखने वाले और छोटी बॉल रखेंगे, पूरी छोटी बॉल का फायदा उठाकर गैप में शॉट, टाइमिंग बेहतरीन दोस्तों छह रन के लिए क्या बल्लेबाजी है, 48-19 बॉल पर 48 रन की दरकार मुकाबला जीतने के लिए लेकिन केएल राहुल और श्रेयसी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार अगली बॉल तो मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है सिंगल के साथ ये ओवर भी समाप्त, जी हाँ दोस्तों इस ओवर में जरूर यहाँ पर भारतीय टीम ने 9 रन जरूर बटोरे थे और इसमें विकेट भी आई थी विराट कोहली की, जी हाँ दोस्तों कुरन चाह ने यहाँ पर आ चुके हैं, कुरन चाह ने यहाँ पर ओवर लेकर जरूर आ चुके हैं दोस्तों, कुरन चार ने इस बार अगली बार पहली ओवर कर दोस्तों लेकिन पहले बल्ले पे लगी उसके सामने खेलने की कोशिश बिल्कुल दोस्तों पूरा उस बॉल को वहां पर केएल राहुल बीट करना चाहते थे वहां पर बॉलर को लेकिन नहीं कर पाए दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय जरूर दे दोस्तों, क्या श्रीलंका के भारतीय टीम में मुकाबले छीनेगी श्रीलंका से दोस्तों, इस बार अगली बॉल पॉइंट की दिशा में शॉट खेला है लेकिन पीछे कितनी बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत यहाँ पर रन बचाए अपनी टीम के लिए दोस्तों, क्या फील्डिंग कर रही है यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका की टीम, ये तेज शॉट जरूर लेकिन वहां पर क्या फील्डिंग करके दिखाया दोस्तों अपनी टीम के लिए यहां पर रन बचाया दोस्तों, जो कि आप यहां पर रिव्यू में देखिए शॉट अच्छा था लेकिन इतनी अच्छी डिफेंस वहां पर दोस्तों और ये बहुत रन बचाया अपनी टीम के लिए, तीन रन दोस्तों 16 बॉल 46 रन की दरकार है, इस बार अगली बॉल लाजवाब अंदर तरफ आई लेकिन दोस्तों इस बार बीट किया है यहां पर केएल राहुल वहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर ने और पॉइंट की दिशा में यहां पर 4 रन बटोर दोस्तों, इस बार तेज था लाजवाब दोस्तों वहां पर किसी फील्डर को मौका नहीं दोस्तों, वहां पर फील्डिंग वहां पर डाई लगाने कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां पर डाई नहीं लगा पाए दोस्तों और पूरे के पूरे 4 रन मिले यहां पर श्रेयस अय्यर को दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला रोमांचक कर रही भारतीय टीम दबाव में यहां पर दोस्तों श्रीलंका की टीम क्योंकि 15 बॉल पर 42 रन की दरकार जरूर है और भारतीय टीम तेज खेल रही है दोस्तों, श्रेयस अय्यर इस बार अगली बॉल फुल टॉस बॉल लेकिन ये पॉइंट की दिशा में क्या फील्डिंग है, क्या फील्डिंग है दोस्तों, यहां पर एक 3 रन फिर से बचा लिए, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही, बॉल को यहां पर जैसे कवर ड्राइव मारते हैं लेकिन पीछे फील्डर तैनात पाते हैं और बॉल को दोस्तों जाने नहीं देते वहां पर बाउंड्री के पास, केएल राहुल दोस्तों 5 बॉल पर 9 रन बनाकर जरूर खेल रहे हैं, कुरुन चाने इस बार अगली बॉल दोस्तों यहां पर लेकिन लाजवाब को अट रहा है, इस बार दोस्तों पीट के फील्डर को और गैप में शॉट है 4 रन के लिए, जी हां दोस्तों एक यॉर्कर की मांग कर रहे थे यहां पर बॉलर और लेकिन वहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर अलग ही अंदाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, छोटी बॉल थी लेकिन वहां पर टाइमिंग के साथ यहां पर गैप में शॉट 4 रन के लिए दोस्तों, यहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी, क्या मुकाबला है दोस्तों, यहां पर केएल राहुल ने दबाव डाल दिया है पूरा का पूरा यहां पर कुरुन चाने पर, जी हां दोस्तों इस बार अगली बॉल लाजवाब शॉट है सामने मारने कोशिश इसी के साथ ओवर समाप्त दोस्तों, भारतीय टीम को 12 बॉल पर 37 रन की जरूर दरकार है और ओवर लेकर आए थुसारा, जी हां दोस्तों ये बड़ा ओवर होने वाला है, ये गति वाला ओवर दोस्तों, अगर यहां पर अच्छे से बैट घुमाया तो बॉल बहुत दूर जाने वाली है, इस बार स्टैंप आउट किया सामने मारा दोस्तों हवा में पीछे फील्डर जरूर है और ये थुसारा को पहली विकेट, श्रेयस अय्यर को यहां पर, जी हां तो श्रेयस अय्यर को यहां पर चलता क्या बड़े शॉट की मांग, थुसारा ने यहां पर क्या फुल टॉस मारी है, फंसा यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर को, थुसारा की बेहतरीन बॉलिंग बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल नहीं समझ पाए वहां पर यॉर्कर थी जितनी वहां पर गति प्राप्त करना चाहते थे श्रेयस अय्यर लेकिन उतनी आई नहीं बल्ले पे और दोस्तों यॉर्कर बिल्कुल अच्छे से जगह पे पड़ चुकी थी लेकिन दोस्तों पूरे ग्राउंड को कवर किया और पकड़ लिया कैच, मुकाबले दिखाई तो आज के मुकाबले
यहाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी विकेट जरूर गिरी यहाँ पर भारतीय टीम की। यहाँ पर दोस्तों सिरेश सर को यहाँ पर आउट कर दिया दोस्तों। रविंद्र जडेजा जरूर आ चुके हैं यहाँ पर। केएल राहुल यहाँ पर तैयार दोस्तों, 11 बॉल 37 रन, लेकिन केएल राहुल यहाँ पर अलग अंदाज में खेलने वाले दोस्तों, लेकिन जरूरत यहाँ पर भारतीय टीम को इस बार यूजर कर मारे। लेकिन ये तो बीच बल्ले पे दोस्तों, केएल राहुल ने सामने मारा, उठा कर खेला बीच बल्ले पे ये छक्का। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल की पहली बॉल इस बार यॉर्कर की तलाश कर रहे थे, लेकिन फुल टॉस लो, फुल टॉस, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या छक्का मारा है केएल राहुल ने, बिल्कुल सामने स्ट्रेट, बहुत ही अच्छा डाउन द ग्राउंड दोस्तों। हवा में बॉल जरूर गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहां पर बेहतरीन छक्का दोस्तों प्राप्त किया यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से आता हुआ बड़ा शॉट 6 रन के लिए दोस्तों। क्या मुकाबला है, 10 बॉल पर 31 रन की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। 10 बॉल 31 रन, यहाँ पर जरूर अच्छे खेल रहे दोस्तों केएल राहुल। इस बार एक और फुल टॉस, लेकिन इस बार दोस्तों बहुत दूर गई है, इस बार तो बीच बल्ले पे एक और लंबा, एक और छक्का, 2 बॉल पर 2 छक्के केएल राहुल के बल्ले दोस्तों। थुसा रहा है यहाँ पर, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, अंदर तरफ बॉल डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा छक्का मार रहे दोस्तों ये केएल राहुल। ये भी लो फुल टॉस, सामने उठाकर बेहतरीन टाइमिंग, एक और छक्का। ऐसा लग रहा है कि मुकाबले को दोस्तों भारतीय टीम अपने हाथों से नहीं जाने देगी, क्योंकि मुकाबला रोमांचक चल रहा है। बेहतरीन शॉट, सामने 6 रन जड़ दिए दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने। 2 बॉल पर 2 छक्के जड़ चुके हैं, 9 बॉल पर 25 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अगली बॉल दोस्तों छोटी बॉल है, लेकिन ये हवा में, पीछे फील्डर है और ये आउट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर गिर चुकी है, बहुत बड़ी विकेट गिरी है यहाँ पर। क्या शॉट मारा था केएल राहुल ने, लेकिन यहाँ पर तुषारा ने पकड़ा है कैच। बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर दोस्तों, शॉट मारने कोशिश यहाँ पर जरूर कट शॉट मारा था, लेकिन पीछे फील्डर तैनात खड़े हुए थे दोस्तों, और केएल राहुल को भी यहाँ पर जाना होगा। बहुत ही खतरनाक कैच पकड़ा, उड़ के कैच पकड़ा, बाउंड्री पे पकड़ा, और ये बहुत बड़ी विकेट, वरना 6 रन थे पूरे। लेकिन वहाँ पर दोस्तों 6 रन बचाए और विकेट भी मिल गई यहाँ पर दोस्तों। थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम यहाँ पर मुकाबले में रुकी हुई है, क्योंकि केएल राहुल आउट होने के बाद दोस्तों 8 बॉल पर 25 रन दरकार है, और रविंद्र जडेजा दोस्तों सामना करेंगे इस बार। रविंद्र जडेजा इस बार दोस्तों तैयार, रविंद्र जडेजा बेहतरीन शॉट इस बार, मिड ऑन के ऊपर से मारा है, टाइमिंग अच्छी है, नहीं है ये कैच ड्रॉप। रविंद्र जडेजा को दोस्तों मौका मिला है यहाँ पर, रविंद्र जडेजा को मौका मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर कैच ड्रॉप हो चुका है रविंद्र जडेजा का। क्या बॉलिंग कर रहे दोस्तों थुसारा, ये चौथी विकेट थी उनकी, लेकिन वहाँ पर फील्डर ने किया नाराज। थुसारा ने अच्छी बॉल डाली दोस्तों, मिड ऑन पर शॉट मारने की कोशिश की यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने, फुल टॉस दोस्तों, तेज शॉट मारा था, लेकिन वहां पर क्या पकड़ा है दोस्तों, ये तेज भाग रहे थे वहां पर, इतना आसान नहीं था दोस्तों कैच, लेकिन वहां को पकड़ना था। देखिए ये लास्ट बल्लेबाज इंडिया के लिए जो कि मुकाबला जिता सकते हैं, रविंद्र जडेजा इस बार तैयार अगली बॉल का सामना करने के लिए। रविंद्र जडेजा दोस्तों फुल टॉस है, लेकिन हवा में नहीं है, पीछे फील्डर है, एक रन की मांग है और आसानी से भागे और एक रन आ चुका है दोस्तों। ओवर समाप्ति किसी के साथ, भारतीय टीम यहाँ पर मुकाबले में 6 बॉल पर 22 रन की दरकार है दोस्तों। क्या 22 बॉल रन पर, क्या 6 बॉल पर 22 रन बना पाएंगे रविंद्र जडेजा पर होगी दावेदारी। तैयार यहाँ पर रविंद्र जडेजा फुल टॉस दोस्तों, लेकिन लाजवाब शॉट है बीच बल्ले पर, अच्छी आई है दोस्तों सामने मारा मिड ऑन के ऊपर से छक्का, पहला छक्का आ चुका है दोस्तों ओवर से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बॉल को पढ़ा, टाइमिंग की यहाँ पर, और सामने मिड ऑन के ऊपर से बड़ा छक्का दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने। लग रहा है कि मुकाबला दोस्तों भारतीय टीम 6 बॉल पर ये 22 रन जो टारगेट है इसको भी चेज कर पाएगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि तेज खेल रही यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने। क्या छक्का मारा है दोस्तों, बॉलर गलती कर रहे हैं यॉर्कर की, लेकिन वो डाल दें दोस्तों फुल टॉस, और फुल टॉस का पूरा फायदा उठाकर खेलने के लिए भेज दे रहे रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा इस बार अगली बॉल यहाँ पर रविंद्र जडेजा के लिए, इस बार लाजवाब शॉट है, हवा में, पीछे फील्डर है, लेकिन ये कैच एक हाथ से पकड़ा है। क्या विकेट है दोस्तों, ये मुकाबला रोक कर लग दिया यहाँ पर अफगानिस्तान श्रीलंका की टीम ने। क्या विकेट ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, शॉट अच्छा था, छोटी बॉल थी वहां पर दोस्तों, ऑफ साइड में बड़े शॉट की मांग कर रहे थे रविंद्र जडेजा, क्योंकि जरूरत है भारतीय टीम को, और वही कोशिश, लेकिन बॉलर की सूझबूझ के साथ यहां पर दोस्तों इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हुई और गति भी नहीं थी, पीछे फील्डर थे और उनके लिए बहुत मुश्किल कैच था, लेकिन एक हाथ से क्या कैच पकड़ा है दोस्तों, अगर ये कैच नहीं होता तो पूरे 4 रन थे भारतीय टीम के। यहाँ पर 2 बल्लेबाज ऐसे आउट हुए, एक का तो 6 था और एक का 4 रन था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए दोस्तों। जसप्रीत बुमराह 4 बॉल 16 रन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह पर दावेदारी, लेकिन जसप्रीत बुमराह का नाम दोस्तों ये कर देंगे पूरा इस बार जसप्रीत बुमराह के लिए, लेकिन ये मिड ऑफ के ऊपर से मारा है बीच बल्ले पे दोस्तों, ये बॉल आई है पहली बॉल, जसप्रीत बुमराह ने मारा छक्का,
क्या बात है जसप्रीत बुमराह, क्या मैच जिता देंगे दोस्तों। 3 बॉल पर अब 10 रन की दरकार है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने क्या छक्का मारा। ये बॉल के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जरूर जा रही थी बॉल, लेकिन उस बॉल को पड़ा शरीर को थोड़ा आगे की तरफ लिया, ऊपर की तरफ लिया, लेकिन क्या छक्का मारा दोस्तों यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ बेहतरीन छक्का दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि मुकाबला भारत टीम अपने नाम करने से पीछे नहीं हटने वाली दोस्तों, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी यहाँ पर दोस्तों मुकाबले को शायद जिता सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सदमा रहेगा यहाँ पर श्रीलंका के लिए। इस बार दोस्तों फुट फ्रंट पर डाली, लेकिन इस बार मिड ऑन के ऊपर से खेला जसप्रीत बुमराह हवा में नीचे फील्डर, लेकिन दोस्तों ये फैन के पास भेज दिया यहाँ पर लैंड द ग्राउंड में, स्टैंड में लैंड हुई यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बल्ले से 2 बॉल पर 2 छक्के। भारत टीम का पर 3 बॉल पर मात्र 4 रन की दरकार दोस्तों, 3 बॉल 4 रन, क्या बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या शॉट मारा ये, ऐसा शॉट पिकअप शॉट पिक किया शॉट को और जड़ गया बड़ा शॉट 6 रन के लिए दोस्तों जसप्रीत बुमराह के लिए। दिल से लाइक कर दीजिए और आप कमेंट में बताइए कि कौन से ऐसे बल्लेबाज है जो इस मुकाबले को दोस्तों जिता सकते हैं। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह 2 बॉल 4 रन की दरकार दोस्तों, क्या इस बॉल पर बड़ा शॉट आएगा, ये अगर मांग भी है दोस्तों इस बार फुल टॉस है, लेकिन ये मिड ओवर उनके ऊपर से मारा है मिड ओवर के ऊपर से दोस्तों, तीसरा छक्का जसप्रीत बुमराह के बल्ले साथ हुआ दोस्तों। 2 बॉल ये 2 बॉल पर क्या शॉट मारे, 3 बॉल पर 3 छक्के जसप्रीत बुमराह दोस्तों, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, जरूरी फुल टॉस डालिए। भारत टीम को 2 बॉल पर 4 रन की दरकार थी, लेकिन इस छक्के के साथ भारत टीम ने मुकाबला जीत लिया है दोस्तों। क्या बल्लेबाजी करके दिखाई भारत टीम ने, बॉलर ने मैच जिता दिया है, ये कुछ अलग अद्भुत हुआ यहाँ पर भारत टीम के साथ, और मुकाबला दोस्तों यहाँ पर भारत टीम ने जीत लिया यहाँ पर दोस्तों 3 विकेट के साथ। और आप सभी को बता दें अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक जो कर दें, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।